दोस्तों आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे परिवार के बारे में बात करेंगे जिसकी रियल लाइफ किसी रियल लाइफ से कम नहीं है। इस परिवार ने वो सब रंग देखे हैं जिसे हम फिल्मों में देखते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड की दत्त फैमिली के बारे में। दोस्तों वही दत्त फैमिली जो कभी सुनील के नाम से लोगों का चहेता रहा तो कभी संजय दत्त के नाम से बदनाम भी। दोस्तों बॉलीवुड में दत्त परिवार की नींव रखने वाले थे प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त साहब। दोस्तों जब सुनील दत्त साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उस दौर में फिल्मी कलाकारों की पत्नियां फिल्मों में काम नहीं करती थी, लेकिन दत्त साहब ने उस दौर की फेमस अभिनेत्री नरगिस से शादी की। दोस्तों आज भले ही आप बॉलीवुड में दूसरे धर्मों के लोगों को एक दूसरे से शादी करते हुए देखते हो, लेकिन उस समय के लिए ये बात काफ़ी बड़ी थी और ये करने वाले सुनील दत्त और नरगिस पहले स्टार थे। शादी के बाद दोनों की 3 संतानें हुईं, बेटा संजय दत्त और बेटियां नम्रता और प्रिया दत्त। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुनील दत्त साहब की। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को अविभाजित पंजाब के झेलम जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा मुंबई के जय हिंद कॉलेज में हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो सिलोन में एक उद्घोषक के रूप में की। रेडियो सिलोन साउथ एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। एक उद्घोषक के रूप में दत्त साहब बहुत लोकप्रिय हुए। उनके अभिनय में भी काफ़ी रुचि थी। जल्द ही उन्हें अपने मनपसंद का काम मिल गया और वो फिल्मों में एक्टिंग करने लगे। उनकी पहली फिल्म रेलवे स्टेशन थी जो 1955 में बनी थी। इसके बाद साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया बहुत ही बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया। उन्होंने 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म यह रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। ये फिल्म टिकट खिड़की पर ज़्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। यह फिल्म डाकू के जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मन की नींद में लॉन्च किया। सोम दत्त का फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई थी। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी जिसे दर्शकों ने नकार दिया। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से काफ़ी ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70 और 80 के दशक में बनी फिल्में प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन, जानी दुश्मन और शान में उनकी भूमिकाएं पसंद की गई। उस समय से सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े रहे जिनमें मन जीते जल जीते, दुख भंजन तेरा नाम, सत श्री अकाल प्रमुख हैं। दोस्तों सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा के सदस्य बने। साल 1968 में वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। सुनील दत्त को 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा सुनील दत्त ने कई पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया। दोस्तों साल 2003 में बनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS उनकी बतौर अभिनेता अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने ही बेटे संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई थी। पद्मश्री सहित कई सम्मानों से नवाजा गया। 2005 में उनको हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील दत्त एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 1975 में जस्टिस ऑफ पीस और 1981 में शेरिफ बनाया। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान उन्होंने 1,00,000 का चंदा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया। सैनिकों के मनोरंजन के लिए अजंता 8 का दल गठित किया। युद्ध के दौरान सैनिकों का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया बल्कि उनकी मदद भी की। दोस्तों इतना ही नहीं, सुनील दत्त साहब ने नितिन नारायण राव को इंग्लिश चैनल पार करने के लिए स्पॉन्सर किया। उनकी शादी नरगिस के साथ हुई थी जिनकी मौत कैंसर के कारण हो गई। दत्त साहब ने एक कैंसर हॉस्पिटल नरगिस स्मारक फाउंडेशन की स्थापना की है। दोस्तों अब बात करते हैं संजय दत्त की। दोस्तों संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद ही संजय दत्त ने फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत कर दी।
बाल कलाकार के रूप में संजय पहली बार फिल्म रेशमा और शेरा में दिखाई दिए, लेकिन मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म रॉकी थी, जो उस समय की सुपरहिट फिल्म रही। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और लगभग हर अच्छे अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन फिल्म खलनायक में निभाया गया उनका बल्लू का किरदार आज भी सभी के जहन में ताजा है। फिल्म वास्तव में उनके अभिनय को काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। संजय दत्त ने 3 शादियां की है। उनकी पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई थी, लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से 1996 में उनका देहांत हो गया। इस शादी से उनकी एक लड़की हुई जिसका नाम त्रिशाला है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ US में रह रही है। इसके बाद संजय ने रिया पिल्ले से शादी रचाई, लेकिन उनसे उनका तलाक हो गया। फिर 2008 में गोवा में संजय ने मान्यता से शादी कर ली और 21 अक्टूबर 2010 को वे जुड़वा बच्चों के पिता बन गए। लड़के का नाम शहरान और लड़की का नाम इकरा है। संजय दत्त का करियर बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के कारण उन्हें कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े। इस वजह से उनको अपने फिल्मी करियर में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बात करें सुनील दत्त की पहली बेटी प्रिया दत्त की, तो प्रिया अपने पिता की मौत के बाद राजनीति में आई। इन्होंने पिता की मौत के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से 2005 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रिया दत्त मुंबई उत्तर मध्य से चुनाव मैदान में पहुंची और फिर से जीत हासिल की। दोस्तों, सुनील दत्त की दूसरी बेटी नम्रता दत्त ने बॉलीवुड एक्टर कुमार गौरव से शादी की है। उनकी 2 बेटियां हैं। दोस्तों, नम्रता लाइमलाइट से दूर रहती है और अपने पति और परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।